तो व्हाट्सअप मेरी जान, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के इस प्रकार से फेस स्मूथ एंड हेयर एडिटिंग हम लोग हेयर कट सीखने वाले हैं, और भी बिल्कुल आसान तरीका से मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी आपको समझ आएगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए तो आपको समझ आएगा कैसे एडिट किया जाता है फोटो और कैसे फेस को हम स्मूथ करें। तो हम लोग भाई आज RDX भाई जैसा फेस स्मूथ और हेयर एडिटिंग हम लोग सीखेंगे और बैकग्राउंड कलर सीखेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो हम अपने ये हमारा ओरिजिनल पिक है, ठीक है ना मेरे भाई। तो हम अपने ओरिजिनल पिक को सबसे पहले शेयर कर लेंगे स्नैपसीड ऐप में, ठीक है ना मेरे भाई। तो हम अपने स्नैपसीड ऐप में शेयर कर लेते हैं। तो स्नैपसीड में आने के बाद, ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ नीचे देखेंगे टूल्स का ऑप्शन दिया है नीचे। तो टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करने बाद यहाँ पर ऊपर टूल इमेज का ऑप्शन दिया है। टूल इमेज पर क्लिक करने बाद थोड़ा से ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, ठीक है ना मेरे भाई, हल्का से कंटेंट को बढ़ा देंगे, एम्बियंस को बढ़ा देंगे, शेडोज को बढ़ा देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद डन कर देंगे। इतना करने के बाद मेरे भाई फिर से हम नीचे टूल्स पर क्लिक करेंगे तो ऊपर देखेंगे डिटेल्स का ऑप्शन दिया है। तो डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद हल्का से डिटेल्स को बढ़ा कर फिर हम डन कर देंगे। इतना करने के बाद फिर से टूल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे फेस गोरा करने का ऑप्शन दिया है सिलेक्टिव का। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस प्रकार से जहाँ जहाँ भी ब्लैक रहेगा हल्का हल्का हम इसको बढ़ा लेंगे ऐसे कुछ इस प्रकार से नंबर भाई। अभी कुछ इस प्रकार से ऐसे हम फेस को वाइट कर लेते हैं, ठीक है नंबर भाई। तो इतना करने के बाद हम सिंपल से हम अपने पिक को शेयर कर लेंगे लाइट रूम ऐप में, ठीक है नंबर भाई। हम अपने पिक को शेयर कर लेते हैं लाइट रूम ऐप में। तो गाइस हम अपने पिक को शेयर कर लेंगे, शेयर कर लिए लाइट रूम ऐप में, ठीक है ना मेरे भाई। तो लाइट रूम ऐप में आने के बाद यहाँ पर सिंपल से एक प्रीसेट का मैं प्रीसेट इस्तेमाल करूँगा। तो ऊपर देखेंगे थ्री डॉट का ऑप्शन दिया है, ठीक है ना मेरे भाई। तो ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन दिया है, ठीक है ना मेरे भाई। तो थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सिंपल से उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिया है, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर कॉपी सेटिंग का ऑप्शन दिया है, ठीक है ना मेरे भाई। तो कॉपी सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे, सिंपल से हम अपने कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे अपने ओरिजिनल पिक को फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं कुछ वन क्लिक में फोटो हम लोग का एडिट हो चुका है, ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर से कलर वाला ऑप्शन पर जाना है, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर मिक्स पर क्लिक करेंगे, हल्का से इस तरह के इसको माइनस करेंगे थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद फेस वाला ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसको हल्का से और बढ़ा देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। इतना करने के बाद, ठीक है ना मेरे भाई, तो डन कर देंगे। डन करने वाले हैं आपको अब सीट पर आकर आज इसको ऑन करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। इतना करने के बाद मेरे भाई तो इसके बाद हम अपने ऑटोडेस्क ऐप में चलेंगे। यहाँ पर ऊपर शेयर का ऑप्शन दिया है, ठीक है ना मेरे भाई। तो शेयर का ऑप्शन दिया तो हम अपने ऑटोडेस्क ऐप में शेयर कर लेते हैं। तो ऑटोडेस्क ऐप में आने के बाद मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पर ऊपर देखेंगे सिंपल एक ऑप्शन दिया है। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हम लोग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक ब्रश का आइकन दिया है, ब्रश का नाम देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से है। इतना करने बाद हमारा सेटिंग देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, आप लोग भी सेटिंग रख लीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। इतना करने बाद न्यू ट्रिक है, बिल्कुल न्यू ट्रिक है मेरे भाई, यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा तब आप भी सीख पाएंगे कुछ इस प्रकार से फेस स्मूथ करना, ठीक है मेरे भाई। देख सकते हैं कितना अच्छा फेस स्मूथ हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी फेस स्मूथ करना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए तब आपको समझ आ जाएगा कैसे फेस को स्मूथ किया जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई।
ठीक है ना भाई, देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ हो रहा है। थोड़ा सा वीडियो को हम रोक देते हैं, ठीक है ना मेरे भाई, वरना आप लोग को लेट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हम थोड़ा सा वीडियो कट कर देते हैं। तो फेस स्मूथ हो चुका है मेरे भाई, तो देख सकते हैं कितना किस प्रकार से फेस स्मूथ हुआ है। तो सिंपल से ऊपर एक ऑप्शन दिया है, तो उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम लिख यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, एक लेयर बना लेंगे लेयर का। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर कलर पर क्लिक करने के बाद आप लोग रेड कलर रख लीजिएगा, जो आपको पसंद है वो कलर रखने के बाद। ठीक है ना मेरे भाई, ब्रश को हम लोग चेंज कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, इस वाले ब्रश को हम लेने का। ठीक ना मेरे भाई, तो सेटिंग देखते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम थोड़ा सा फेस को जूम करके ऐसे, किसी प्रकार करने में फिर से हम जाएंगे अपने लेयर पर क्लिक करेंगे, हल्का से इसको हम ऐसे कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मर्ज का ऑप्शन दिया है, तो मर्ज पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई इतना करने के बाद अभी हम हेयर पर कट मारेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, हेयर कट करने के लिए ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक कैंची का ऑप्शन दिया है, तो कैंची का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, इतना क्लिक करने के बाद ठीक है मेरे भाई, तो हम ब्रश को एक चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस ब्रश का ऑप्शन दिया है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इस वाले ब्रश को लेने के बाद कुछ इस प्रकार से हम लोग पूरा इसको एंट्री कर देंगे, इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग कम कर देंगे। ठीक है ना मेरे भाई, आपको जितना अच्छा लगे उतना ले लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ले लेंगे, उसके बाद अपने पिक को इतना पर रखने के बाद तो ऐसे हम हेयर पर कट मारेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई, तो देख सकते हैं कितना अच्छा कट मरा रहा है। जो भी भाई चैनल पर नए ऐड होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत तो लगता है। फिर से सिंपल से ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कम करने के बाद ठीक है ना मेरे भाई, यहाँ पर देखेंगे हम लोग चीना चीना हो गया है, इसके ऐसे हम इसको स्मूथ कर देंगे कि पता ना चले। ठीक है ना मेरे भाई, इतना करने के बाद सिंपल से हम अपने पिक्सआर्ट ऐप में चलेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, तो पिक्सआर्ट में हम शेयर कर लेते हैं अपने पिक को। तो पिक्सआर्ट में आने के बाद मेरे भाई, तो यहाँ पर देखेंगे इफेक्ट का ऑप्शन दिया है, नीचे इफेक्ट का ऑप्शन दिया है। ठीक है ना मेरे भाई, तो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक और कलर का ऑप्शन दिया है। ठीक है ना मेरे भाई, तो कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का ओपन हो जाएगा। तो इस वाले हम इसको ले लेंगे कलर, तो इसके बाद हम बैकग्राउंड पर किस इस प्रकार से छोड़ देंगे। ठीक है ना मेरे भाई, तो आपको जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगे तो आप लोग ले सकते हैं। तो हमको ये वाला अच्छा रेड वाला अच्छा लग रहा है, तो हम रेड वाला को ले लेते हैं। उसके बाद सिंपल से हम डन कर देते हैं फोटो को। डन करने के बाद कुछ यहाँ पर ड्रो टूल पर क्लिक करने के बाद हम अपने पिक को फुल HD में सेव कर लेंगे यहाँ से। ठीक है ना मेरे भाई, तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना।